जय माता दी। दोस्तों, अगर आप वशीकरण कर करके थक चुके हैं और आपका वशीकरण अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो व्यक्ति जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं वो आपका बन जाए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक पूर्ण रूप से शक्तिशाली वशीकरण, जो स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है मात्र लौंग के प्रयोग से। जी हाँ, ये छोटी सी लौंग दिखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत असरदार है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वशीकरण इतना प्रचंड है, इसको आपको ध्यान रखकर करना है और ये उतारा नहीं जा सकता। ये वशीकरण अगर आपने किसी पर एक बार कर दिया, उसके बाद इस वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है, यानी कि आप इस वशीकरण को तोड़ नहीं सकते। इसका प्रयोग करना चाहते हैं अगर आप, और आपकी मंशा सही है, आप जिस पर ये करना चाहते हैं सच्चे दिल से करना चाहते हैं, तो इस विधि को आप जरूर प्रयोग में ला सकते हैं, अपने प्यार को अपना बना सकते हैं। आपका कोई दुश्मन है जिन्हें आप दोस्त बनाना चाहते हैं, वो आपको पसंद है लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश वो आपके दुश्मन बन बैठे हैं, आप वापस उससे दोस्ती कर सकते हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी, एक शक्तिशाली मंत्र जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मनों को भी अपना सच्चा दोस्त बना सकते हैं। जी हाँ, इस लौंग की मदद से हम वशीकरण करेंगे और किसी को अपना बना लेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूं आखिर आपको इसको करना कैसे है। इस लौंग को आपको अपने मुंह में रखना है, ठीक जीभ के नीचे। जी हाँ, ये लौंग आपको अपने मुंह के अंदर रखना है, जीभ के नीचे रखना है। उसके बाद 11 बार उस शख्स का, उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उसके बाद इस लौंग को अपनी जीभ के नीचे रखिए, 11 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसको आपको काबू में करना है, वश में करना है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं। उसके बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। सही उच्चारण करिएगा इसका। किसी भी व्यक्ति को इस मंत्र को पढ़कर आप पल भर में अपना बना सकते हैं। 11 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है, तो 11 बार आप मंत्र को जपिए। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, मैं आपको अब वो मंत्र बताने जा रही हूं। ओम क्ली, ओम क्ली क्ली वशीभूत। जी हाँ, ये वो मंत्र है जिसको करने मात्र से आपको इसका फल मिल जाएगा। तो इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है। मंत्र का जाप करने के बाद मुंह से लौंग को निकाल लें और इसे सुखा लें, फिर इस लौंग का चूर्ण बना लें। फिर आपको क्या करना है कि उस लौंग के चूर्ण को उस व्यक्ति के किसी खाने पीने की चीजों में आपको उसको मिला देना है। जब वो व्यक्ति उस वशीकृत लौंग को खा लेगा तो वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में उस व्यक्ति का कॉल या मैसेज आपके पास आ जाएगा और वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो उठेगा, तड़प उठेगा। वो चाहेगा कि वो अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बिताए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बिल्कुल ऐसा हो, तो आपको करना है ये कि बिल्कुल इसी तरह से इस विधि का इस्तेमाल करना है और उस व्यक्ति को अपने करीब ले आना है। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आप लोगों से हम बार बार ये विनती करते हैं कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो अपने मन से, अपने हृदय से किसी तरीके का गलत विचार ना रखें, सच्चे मन से इस मंत्र का उच्चारण करें। और दोस्तों, अगर आप कहीं दूर रहते हैं और आप ये विधि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये विधि गुरु जी द्वारा करवा सकते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त गुरु जी का नंबर दिख रहा है। कृपया वशीकरण करने या करवाने से पहले गुरुजी से संपर्क जरूर करें, क्योंकि वशीकरण करते वक्त किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वशीकरण गलत हो गया तो इसका रिजल्ट भी आपको नुकसानदायक ही मिलेगा, असर नहीं दिखेगा। जी हाँ, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।